इधर आ जाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, सीधा सीधा हो जाओ। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, पहले इधर देखो, सुनो पहले सुनो, हल्का सुपर हो जाओ फटाक से। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, क्या नाम है? नाम याद है? हाँ, नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है? नहीं पता तुमको? तुमको नाम नहीं पता अपना? अच्छा, इधर करो। क्या नाम है? नाम क्या, नाम बताओ पहले। खाना चाहिए ना, खाना देना तुमको, खाना खाना, भूख लगी थी ना। क्या नाम है, नाम बताओ अपना। तेज से बताओ बाबू। ठीक है, ठीक हो तुम पहले से? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है, तो छुट्टी किया जाए, तुमको घर भेजा जाए, घर जाओगे? कहाँ है घर तुम्हारा? अच्छा, तुम बीमार थे, पता चला था तुम कैसे बीमार हुए थे? पता था तुमको? कब तबीयत खराब हुई तुम्हारी? एक घंटा पहले। अच्छा अच्छा, पापा के क्या नाम तुम्हारे? हाँ, दबा ना मारा, तेज दबाओ। ठीक है, क्या नाम सर? रोशन। जिसे पेशेंट हम लोगों के पास आया था, रोशन, फीवर की हिस्ट्री लेके आया था, कहीं और डॉक्टर ट्रीटमेंट करा रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान जो उसको ओवर डिहाइड्रेट किया गया, डिहाइड्रेट करने पर उसको रेफर कर दिया गया गैस खराब करने पर। फिर हमारे पास आया था वेंटिलेटर पर लड़का था, 3 से 4 दिन में वेंटिलेटर पर था। 4 दिन बाद ये लड़का आउट हुआ वेंटिलेटर से। जैसे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे वीडियो डालने पे, कि वेंटिलेटर से पेशेंट आउट नहीं होता है। आपके सामने रिजल्ट देखिए, पेशेंट वेंटिलेटर से आउट भी होता है, सही भी हो जाता है और बोलते हुए घर भी जाता है। जो लोगों के दिमाग में फूबिया हो जाती है कि मरीज वेंटिलेटर पर डाला जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर सिर्फ जान बचाने के लिए मरीज को होती है और मरीज को सही करने के लिए होता है। बाकी हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टरों का सहयोग रहता है। रिजल्ट आपके सामने है। एक और ऐसे पेशेंट से मिलाते हैं जो कि एम्स हॉस्पिटल गोरखपुर से रेफर हुआ था, जो कि हमारे सेकेंड नंबर बेड पर है। ये बाबा जी आए थे एम्स हॉस्पिटल से, ये काफ़ी सारी इनकी डिजीज हैं, सीएलडी के पेशेंट हैं, इनको सीओपीडी है, कार्डियक है, डायबिटीज है। तो ये भी हमारे पास 2 दिन तक वेंटिलेटर थे, 2 दिन बाद इनको एक्सट्यूबेट किया गया। एक्सट्यूबेट करने के बाद इनको बाइपेप लगाया गया। ठीक है, पेशेंट ऑल ओरिएंटेड है, अच्छे से होश में है, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ पता है। तो ये दिमाग से वहम निकाल देना चाहिए कि मरीज को वेंटिलेटर पर डाला जाता है पैसा कमाने के। मरीज के लिए वेंटिलेटर बना है सिर्फ जान बचाने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा तो लगता है, हर जगह लगता है पैसा, लेकिन पैसा के बाद भी मरीज का जान बचना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने देखे। दादा, दादा ठीक है? इधर देखिए, पानी पियेंगे? पहले से बहुत बेहतर है, उम्मीद है इनको 2 से 3 दिन में छुट्टी करके घर भेजा जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।